Assalamu alaikum and hi everyone. Good morning from Zadar, Croatian city से. अगर आप मेरे पिछले व्लॉग देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं लास्ट कुछ दिन से क्रोएशिया में हूँ और आज मैं हूँ जदर में और एक्सप्लोर करेंगे आज इस सिटी को. स्टे ट्यून्ड. ये जनाब बाहर का नज़ारा है, धूप निकली हुई है, ज़बरदस्त किस्म का वेदर है, तो चल के एक्सप्लोर करते हैं जनाब सिटी को. शाम को क्योंकि मेरी फ़्लाइट है यहाँ से, अभी तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम है दिन का, तो पूरा दिन एक्सप्लोर करने के लिए सिटी को, तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. ये सामने है जी वॉल और एक दरवाज़ा है ये सामने ओल्ड सिटी. जो मेरा माइंड में था क्रोएशिया के बारे में कि पुराना होगा और इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, लेकिन मैंने आके यहाँ पे देखा है कि पुराना हिस्सा तो एक है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, साफ़ सुथरा है, और जो नया एरिया इन्होंने इनका है, जो नया डेवलप एरिया है, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट इन्होंने की है. रोड्स हैं, हाउसेज हैं, ट्रैफिक मैंने देखी है बड़े करीने से चल रही है, सो दैट्स ग्रेट. ये जनाब वाटर फ्रंट. क्रोएशियन फ्लैग है जी. हाँ जी, कोई प्रोग्राम चल रहा है, अभी पता नहीं क्या चल रहा है. कुछ वेडिंग का कोई इवेंट नज़र आ रहा है जी, क्योंकि सारे सूटेड बूटेड हैं बंदे. काफ़ी सारा चल के आए और बच्चे जो मेरे साथ हैं, फैमिली है मेरे साथ, उनको जनाब तलब हो रही है आइसक्रीम की, तो ये आइसक्रीम पार्लर है यहाँ पे एक, यहाँ से आइसक्रीम लेते हैं और फिर जनाब अगला सीन देखते हैं क्या है. अच्छा जी, आइसक्रीम पार्लर में पीछे बैठने की बड़ी ज़बरदस्त जगह है जी, तो यहाँ थोड़े सा बैठ के चिल करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं. नाइस आइसक्रीम है जी. यहाँ पे है जी फ्रेरो रोशे केक, इसको भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं. क्या हाल है आपका? ज़बरदस्त. अच्छा गाइस, आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ की करेंसी. ये है जनाब तेनकुना, जो तकरीबन है आप कह सकते हैं 1 pound and something. तो 1 pound के एक्चुअली जो है ना 8 kuna जो है ना कन्वर्शन रेट है, तो सोचा कि आपको नोट दिखा दूँ. व्हाट इज दिस? इज वेडिंग. वेडिंग, ओके. अच्छा जी, ये वेडिंग है. ये सारे जनाब गेस्ट जा रहे हैं इधर. साथ फ्लैग भी इन्होंने उठाए हुए हैं.
ये जो पीछे हम देख के आए थे ये वो है जनाब। अच्छा जी, अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है, ये वेडिंग थी, शादी, लेकिन इसमें जो फ्लैग उठाए हुए थे उसका वो कह रहे हैं कि मतलब ये था, एक जर्मनी का फ्लैग था, एक क्रोएशियन फ्लैग था। तो वो कह रहे हैं कि एक जनाब बंदा जर्मनी से है और एक क्रोएशिया से, तो उनकी दोनों की शादी है तो इसलिए दोनों फ्लैग भी हैं। तो वो सीधे अभी जा रहे हैं चर्च में। ज़बरदस्त है जी। अच्छा जी, ये जो शादी थी ये उसका अल्ला गुल्ला स्टिल चल रहा है अभी। तो हमने सोचा ज़रा हम भी चेक करें कि क्या क्या होता है यहाँ पे। ये देखें ज़रा, ये बारात जा रही है जनाब हमारे तराई, और उसमें जनाब वो देखें लाइटें शाइटें चेक करें ज़रा। अच्छा गाइस, ये है चर्च, ये 19th सेंचुरी का चर्च है और सबसे ओल्डेस्ट चर्च है जेडर में। तो हिस्ट्री है जी, ये चर्च जो मैंने जनाब चेक किया है गूगल बाबा पे, तो वहाँ पे बता रहा है जी ये 19th सेंचुरी का चर्च है, बहुत ही पुराना चर्च है जी। यहाँ आके एक कैथीड्रल भी है जो 12th सेंचुरी का है, वो भी इस चर्च की तरह जैसे ये 19th सेंचुरी का है वो 12th सेंचुरी का है, तो वो भी बहुत ही पुराना जो है ना कैथीड्रल है आपको ये है जी, बहुत ही पुराना है ये 12th सेंचुरी का है, और इसके सामने जो है वो 19th सेंचुरी का है। तो हिस्ट्री जनाब यहाँ पे बिखरी पड़ी है ज़दर में। आज शाम का वक़्त है जनाब, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और अभी आपको लेके फिर चलते हैं जनाब वाटर फ्रंट पे, थोड़ा सा शाम का नज़ारा करते हैं जनाब वाटर फ्रंट से, और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे हैं मेरे पास, 2 घंटे के बाद जनाब फ्लाइट है। तो आई थिंक सिटी को काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया है, मज़ा आया, पूरा दिन घूमते घुमाते गुजरा है जनाब। तो आई थिंक ज़बरदस्त जनाब विजिट रहा है, उम्मीद है ये वीडियो आपने भी पसंद की होगी। ये है जी, एक साइड पे 19th सेंचुरी चर्च और दूसरी साइड पे 12th सेंचुरी कैथीड्रल, और ये कुछ बाकियात पड़ी हुई हैं जनाब ओल्डन डेज़ की। ये है जनाब वाटर फ्रंट। शाम का वक्त है जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और समंदर का फ्रंट है जी, और ये कुछ नहीं है। वहाँ पे सी ऑर्गन जो समुद्र की वेव्स आती हैं उनकी वजह से एक साउंड बनता है, क्योंकि थोड़ा सा विंड है, तो पता नहीं आपको ये आवाज़ आ रही है या नहीं, लेकिन मुझे म्यूज़िक की आवाज़ बड़ी क्लियर आ रही है।
काफ़ी तेज़ है, शायद आपको जो है ना मेरी आवाज़ कम आ रही होगी। अभी जल रही हैं, ये सोलर पावर्ड हैं, दिन को पूरे चार्ज होती हैं और अभी जनाब अगर देखें तो ये इस वक्त चल रही हैं। यहाँ पे जी पूरा एरिया है ये सोलर पावर्ड लाइट्स का और ये सारी इस वक्त अगर देखें ये चल रही हैं सारी, और जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा ये लाइट्स और क्लियर होती जाएगी। अभी जल रही हैं, पता नहीं कैमरे में क्लियर आ रही हैं या नहीं, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ी दिन की रोशनी है ये देखें, वाटर फ्रंट पे हूँ, सनसेट हो रहा है पीछे मेरे, काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तकरीबन एक घंटे में मेरी फ्लाइट निकलने वाली है यहाँ से बर्मिंघम के लिए, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।